हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको कैलीग्राफी रिलेटेड, कार्ड मेकिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए वीडियो के साथ आती हूँ गाइस। तो आज हम ये प्रिटी सा सनसेट कार्ड बनाएंगे और इस पर कोड भी लिखेंगे, देर इज़ नथिंग मोर म्यूजिकल देन सनसेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने A5 साइज का पेपर ले लिया है एंड इसको मैं बॉर्डर करके टेप लगा रही हूँ, क्योंकि हमें सनसेट का इफेक्ट देना है। तो वाटर कलर कैमलिन ब्रश पेन से और पॉलीथीन वाली टेक्निक से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने सभी बॉर्डर्स को वॉशी टेप से सिक्योर कर लिया है अच्छे से। देन यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन ली है एंड पॉलीथीन के ऊपर मैं रेड ऑरेंज और येलो कलर का यूज़ करूँगी। मतलब इस सीक्वेंस में कलर्स को मैं पॉलीथीन पे स्प्रेड कर रही हूँ, स्वॉचेस दे रही हूँ। हाँ, और नीचे की थोड़ी जगह खाली छोड़ी, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्डिंग्स वगैरह का लुक देंगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं पेपर पे पानी लगा रही हूँ पहले एंड देन उसके बाद पॉलीथीन को इन्वर्ट करेंगे और अच्छे से कलर्स को स्प्रेड करेंगे। गाइस, गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे, कलर्स को अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो ही सनसेट का लुक अच्छा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये हो गया यहाँ पे स्प्रेड अच्छे से। तो अब यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स बना रही हूँ, पेंसिल से बना रही हूँ पहले, लाइक बड़ी बड़ी ऐसे ही रेक्टेंगल्स बना रही हूँ जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बस ऊपर नीचे बना रही हूँ जिससे बिल्डिंग का लुक आ रहा है। एंड फिर यहाँ पे मैं चिमनी बोलते हैं मराठी में, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ सेड इन इंग्लिश और हिंदी। तो ये होने के बाद इसके बाद मैं सीडी मार्कर का यूज़ करके इनको बाउंड्री करूँगी एंड देन इसको कलर करूँगी। गाइस, कलर करने वाली जो क्लिप है ना, वो शायद गलती से रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पे बाउंड्री करने के बाद मैं कैमलिन वाटर कलर्स का यूज़ करके ब्लैक कलर से कलर कर दूँगी इनको। तो यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद इनको मैंने ब्लैक कलर किया है, वो शायद क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, मैंने भी एडिटिंग के टाइम चेक किया। तो यहाँ पे मैं फिर कोट को फ्रेम कर रही हूँ कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे पहले मैं पेंसिल से लिख रही हूँ एज़ यूजुअल, बट यहाँ पे गाइज मैंने क्लिक पेंसिल का यूज़ किया, लेकिन मैंने क्या किया, प्रेशर बहुत दिया और पेपर शायद थोड़ा गीला था इसलिए वो रफ नहीं हुआ अच्छे से, उस पर ना ट्रेसेस बन गए। तो गाइज, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड डोंट डू दिस। पूरा पेपर सूखने के बाद हमें यहाँ पे पेंसिल से लिखना है। तो ये हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे विंडोज़ बना रही हूँ। तो विंडोज़ में मैं पहले वाइट पेन से बना रही हूँ एंड उसके बाद मैं वाइट कलर के एक्रेलिक कलर से मैं करूँगी, उससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं इससे भी कलर कर सकती थी, बट एक्रेलिक कलर से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं सीडी मार्कर से लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मोनोलाइन कैलीग्राफी कर रही हूँ। एंड वो कोट लिख के हो गया, इसके बाद मैं एक्रेलिक कलर से विंडोज़ को कलर कर रही हूँ। देखो, वाइट पेन से अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया, अच्छा भी नहीं लग रहा और प्रोसेस भी स्लो हो जाता है ना, एक्रेलिक कलर से प्रोसेस फास्ट हो जाता है और लुक कितना प्रिटी कर रहा है। तो बस हो गया, इसके बाद हमें पेंसिल मार्क्स मिटाने और अपना कार्ड रेडी हो गया। ये देखो गाइस, हो गया, कितना प्रिटी लग रहा है ना, मुझे तो ये वाला तो बहुत पसंद आया और बहुत टाइम के बाद मैंने मोनोलाइन कैलीग्राफी की। तो आई होप गाइस आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।